अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है कि सीबीएसई स्टूडेंट के लिए एक राहत की ये खबर है, परीक्षा के मूल्यांकन में हो गया है बड़ा बदलाव। ऐसा क्या सीबीएसई ने बड़ा बदलाव किया है जो सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है? ये न्यूज अमर उजाला में पब्लिश हुई है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो लोग कहते हैं कि ये अफवाह फैला रहे हैं आप, झूठी खबर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे स्कूल से नहीं पता चला, ऐसा नहीं है, तो मैं जहां से न्यूज़ मुझे मिलती है उसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी झाँक के आप देख लिया करिए, आपको वहां पे लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी न्यूज़ देख सकते हैं। आइए देखते हैं न्यूज़ क्या पब्लिश हुई है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को मूल्यांकन को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है। देश भर में लंबे समय बाद बोर्ड पैटर्न पर चल रही दसवीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन दो बार किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इसके ताजा निर्देश जारी कर दिए हैं। दो एग्जामिनर पर एक हेड एग्जामिनर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड ने इस साल मूल्यांकन ड्यूटी से कतराने वाले स्कूल पर भी शिकंजा कर दिया है। जो विद्यालय अपने शिक्षकों को मूल्यांकन में भेजने में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ जुर्माना से लेकर मान्यता खत्म करने तक की कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा इन दिनों जारी है। इसी बीच बोर्ड ने मूल्यांकन को लेकर कुछ तब्दीलियां की है। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता और मूल्यांकन सही हो, इसके लिए डबल मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। सीबीएसई में अभी तक पूरे मूल्यांकन केस पर एक ही हेड एग्जामिनर होता था, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब दो मूल्यांकन करने वाले एग्जामिनर पर एक हेड एग्जामिनर तैनात रहेगा। जिन उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन या दो एग्जामिनर करेंगे, उनका दोबारा मूल्यांकन करना हेड एग्जामिनर की जिम्मेदारी होगी। बोर्ड ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि बोर्ड गत वर्ष की ही स्क्रूटनी का विकल्प खत्म कर चुका है। हर प्रश्न की जांच के अलावा टोटलिंग देखी जाएगी, इसके बाद उस उत्तर पुस्तिका को केंद्र अधीक्षक वेरीफाई करेगा। अब केवल उत्तर पुस्तिका पर छात्र दावा कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को प्रति प्रश्न 500 रुपए देने होते थे। सीबीएसई देहरादून रीजन के क्षेत्रीय अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों को ताकीद कर दी गई है कि वह मूल्यांकन में अनिवार्य तौर पर अपने शिक्षक भेजे। अगर कोई भी स्कूल इसमें आनाकानी करेगा तो उसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। इसके अलावा उस स्कूल के खिलाफ जुर्माना से लेकर मान्यता खत्म कर दी जाएगी। प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है। गौरतलब है कि हर साल बोर्ड के मूल्यांकन के दौरान तमाम ऐसे स्कूल हैं जो कि बहानेबाजी कर अपने शिक्षकों को नहीं भेजते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो बार मूल्यांकन आपका होगा, दो बार कॉपी चेक होगी, रीचेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी गलती आपके कॉपी को चेक करने पे ना हो, ऐसा न्यूज है। इसकी लिंक मैं फिर बता रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि आप फेक न्यूज ना समझें, क्योंकि बहुत सारे हैं जो कमेंट करते हैं कि ऐसा फेक है, अभी तक स्कूल में बताया नहीं गया है, ऐसी कोई खबर नहीं मिली। तो जरूरी नहीं कि आपकी हर न्यूज आपके स्कूल वाले प्रोवाइड करें। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।